हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज हम जानेंगे बवासीर का इंग्लिश मेडिसिन द्वारा उपचार व उनका क्या परहेज रखना चाहिए और उसके क्या क्या लक्षण हैं, सबके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लक्षण: गुर्दा के आसपास कठोर गांठ जैसे महसूस होता है। नंबर सेकेंड, शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना। नंबर थर्ड, शौच के बाद भी पेट साफ न होने के आसपास का आभास होना। नंबर फोर्थ है, गुर्दा के आसपास खुजली एवं लालीपन का सूजन रहना। नंबर फिफ्थ है, कहीं कहीं पर बढ़ते समय गुर्दा के आसपास दर्द का अनुभव व बेचैनी होना। नंबर फर्स्ट मेडिसिन है पैलेक्स का, ये बहुत ही कारगर है बवासीर या पैल्स के लिए। इसको आप रोज़ाना लगा सकते हैं। इसका उपयोग आप एक दिन में कम से 2 से 3 बार कर सकते हैं, रात को भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप जो भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ आपको शुरुआती टाइम में काम आएगा ये, और बढ़ने के बाद ये आपको उतना आपके समस्या को निजात करने के लिए नहीं है ये। और ये मेडिसिन दूसरा है वैद्य ऋषि का औसकल्प, ये इसमें टेबलेट भी मिलता है, क्रीम भी मिलता है। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने बवासीर या पैल्स के लिए। ये उसमें कारगर है, बहुत ही ज़्यादा हद तक कारगर है जब शुरुआती टाइम होता है तो, और बढ़ जाता है तो औसकल्प या वैद्य ऋषि का ये टेबलेट और क्रीम दोनों इसका उतना हद तक काम नहीं करता करने के लिए। और ये हमारे पैल्स को दबा देता है शुरुआती टाइम में। तीसरा मेडिसिन है पतंजलि का दिव्य औसकल्प, ये भी बवासीर और पैल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका उपयोग से हम अपने शुरुआती बवासीर जो कि शुरुआती हो रहा है उसे हम दबा सकते हैं, निजात पा सकते हैं उससे। ये तीनों मेडिसिन आपको उपयोग करना चाहिए आपका शुरुआती बवासीर है तो। बवासीर में परहेज: नंबर फर्स्ट है, बवासीर के दौरान आप मसालेदार चीज़ों का सेवन न करें। दूसरा है, गरम गरम चीज़ों का सेवन न करें। तीसरा है, चाय व कॉफ़ी का सेवन न करें। चौथा है, नशीले चीज़ों का सेवन न करें। इन चीज़ों का अवश्य अपने जीवन में। आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।